नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। नाभा के रिपू दमन कॉलेज के स्टेडियम में चल रहे कबड्डी कप का हुआ समापन। स्वास्थ्य मंत्री पंजाब ने बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत। जंडियाला गुरु में हिंदू सिख एकता को ध्यान में रखते हुए निकाला गया मार्च। हाथों में आपसी भाईचारे के बैनर पकड़कर लोगों को किया जागरूक। भवानीगढ़ के बादल खुर्द गांव के दो किसानों ने पिछले 8 सालों से पराली ना जलाकर पैदा की मिसाल। लोगों और किसानों को स्वच्छ वातावरण के प्रति कर रहे जागरूक। और अब हलचल विस्तार से। नाभा के रिपू दमन कॉलेज स्टेडियम में आजाद वेलफेयर एंड स्पोर्ट्स क्लब और एनआरआई भाइयों के सहयोग से 2 दिवसीय चौथा कबड्डी कप टूर्नामेंट शानो शौकत के साथ संपन्न हुआ, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री पंजाब चेतन सिंह जौड़ा माजरा ने बतौर मुख्य अतिथि जबकि प्रीत ग्रुप के डायरेक्टर हरप्रीत सिंह ने विशेष तौर पर शिरकत की। इस मौके पर चेतन सिंह जौड़ा माजरा ने विजेता रहे खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया। इस मौके पर प्रसिद्ध पंजाबी सिंगर हरजीत हरमन, रुपिंदर हांडा, जैली आदि ने अपने गीतों के माध्यम से खूब समा बांधा। इस मौके पर गायक रुपिंदर हांडा ने एक बार फिर से सिद्धू मूसेवाला को स्टेज पर याद किया। इस मौके पर जिला योजना बोर्ड के चेयरमैन जस्सी सोहावालिया सहित अन्य खेल प्रेमी भी मौजूद रहे। नाभा से हलचल के लिए राहुल खुराना की रिपोर्ट। देखो, पंजाब सरकार साढ़े पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान वालों साढ़े नौजवानों है जोड़ा उन्होंने सीधे रास्ते से लैके आने वास्ते खेडों का जोड़ा सिरजना की गई है। पिछले 2-2.5 महीने तो लगातार खेडा वतन पंजाब दिया नौते खेडा चल रही। सो असी चाहते हैं कि साड़ी नौजवानी है जी सीधे रास्ते पर आए और खेडा जी है वो चो एक है। खेडा खेड के जिते अपना जोड़ा अगे वो वास्ते बहुत मौके ने मिलते हैं। सो उसका हिस्सा है कि अज इतने जसी सोई आजाद क्लब वालों नाभे वालों जोड़ा अज इतने कबड्डी कप कराया गया जिद बहुत दूरों नेड़ो जीडिया टीम आईया ने ताकि साढ़े नौजवान ने जोड़े वो खेडा के सिरते अपना होर भी नाम उच्चा कर। मैं मेरे वीर जसी सोए बधाई देना चाहता कि इन्होंने जोड़ा चौथा नाभा कबड्डी कप करवा रहे हैं और पूरी उम्मीद है कि जोड़ा कबड्डी टूरनामेंट करवाते हैं हरेक साल इस तरह ही बरकरार रहेगा। नहीं बिल्कुल बिल्कुल साडा सभ्याचार है, साडी विरासत है। जे मेले कराते हैं तुम देखोगे नाभे से ये हूँ चौथी बार एक टूरनामेंट हो रहा तो मैं तो चाहूँगा भी सारे पंजाब चाहे मेले होते आजाद वेलफेयर एंड स्पोर्ट्स क्लब नाभा वालों एन आर आई वीर सहयोग न जो चौथा नाभा कबड्डी कप दो रोजा करवाया गया तो अब फाइनल मैच हुए हैं। तो साढ़े इस कबड्डी कप के माणयोग पंजाब के कैबिनेट मंत्री चेतन सिंह जौड़े माजरा ने जेतू टीमों इनामा की वंड की है क्योंकि साढ़े वालों जोड़ा पराला नौजवानों नशिया तो बचाने लिए इतने उन्होंने ध्यान खेडा वालों उत्साहित करने करवाया जाता तो एन आर आई वीर सहयोग न मैं समुचे नाभा हल्के लोगों का धन्यवाद करता जिन्हें बड़े आनंद खेडों का आनंद माणिया प्यार जोड़ा इतने हम कलाकार प्रोग्राम शुरू होना वह भी आनंद माने जी। पहली टीम को 1 लाख और दूसरी टीम को 75,000 के नगद इनाम दिए ने। इस तरह बैट जापी और बैट रेड को भी इनाम दिए गए बाकी टीमें जी उन्होंने भी बड़े इनाम दिए गए। गत दिनों सुधीर सूरी का कत्ल होने के बाद कुछ शरारती तत्वों की ओर से भड़काऊ बयानबाजी कर पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। इसी संबंध में गुरुद्वारा सिंह सभा बाजार कश्मीरिया जंडियाला गुरु से अरदास के उपरांत हिंदू सिख एकता और पंजाब में आपसी भाईचारे को बरकरार रखने के लिए मार्च निकाला गया, जिसमें हिंदू सिख एकता जिंदाबाद, जय श्री राम और सतनाम वाहेगुरु का जाप करते हुए बाजारों में से शांतिपूर्ण मार्च निकाला गया। इस मौके पर नौजवानों ने हाथों में सिख एकता जिंदाबाद और भाईचारक सांझ को बरकरार रखने के बैनर पकड़े हुए थे। इस मौके पर सभी दुकानदारों ने इस एक प्रशंसनीय कदम बताया। इस मौके पर प्रधान सनी अरोड़ा, वरिंदर सिंह मल्होत्रा, अश्विनी शर्मा, सुनील देवगन, मनीष शर्मा, प्रदीप जैन, कुलदीप सिंह विरदी सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। मैं सोनी नेजा, प्रधान श्री रामनवमी उत्सव कमेटी। मैं अपने शहर के जंडियाला गुरु वासियों को अपील करदा कि जिहड़ा बीते दिन श्री सुरिंदर सूरी जी का मर्डर होया उहदे करके जिहड़ा शहर का माहौल खराब होया वा तुसीं किसी भी बंद गलों च नहीं आना ना ही किसी दफवाह आना तो अपना शांति का माहौल बना के रखना वा
मैं अपील करता कि हिंदू हिंदू सिख भाईचारा जिवें कायम आ उदा ही कायम रहेगा। अज मार्च कढ़न दा की मीन उससे इहो है कि जनरल च बड़ी शांति प्रिय लोग ने, बड़ा पुराना भाईचारा साडा साडे जनरल जी, कोई इदां दी गलबात नहीं कि हिंदू सिख दा कोई इदां वैर विरोध होवे आपस दे विच। सुधीर सूरी दा हिंदू सिख सेना दे प्रधान उहनां दा कतल होया ही कि नौजवान सिख ने कतल करता ही, इहदे कारण कुछ ना मुंडे नौजवान एक इहनूं भड़काऊ रंगत देण दे ही, पर साडा हिंदू सिख भाईचारा सारा इकट्ठा ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਹਾਂ ਉਹ ਕਤਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਂਝ ਰਹੂਗੀ। ਕੁਛ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਰੰਗਤ ਦੇ ਕੇ, ਇੱਕ ਭੜਕਾਊ ਰੰਗਤ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਹਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਾਲੀ ਕੋ ਜਲਾਣੇ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਬੜਤੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਤੋ ਵਹੀ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਕੇ ਬਾਦਲ ਖੁਰਦ ਗਾਓ ਕੇ ਦੋ ਕਿਸਾਨੋ ਮੇ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲੋ ਸੇ ਪਰਾਲੀ ਕੋ ਨਾ ਜਲਾ ਕਰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ कायम की गई है। किसान गुरतेज सिंह और परविंदर सिंह पिछले 8 सालों से पराली को ना जलाकर उसे संभालकर उससे तूड़ी बनाकर पशुओं को खिला रहे हैं और तूड़ी को बेचकर मुनाफा भी कमा रहे हैं। इन दोनों वातावरण प्रेमी किसानों ने कहा कि बेशक इस पराली की संभाल की प्रक्रिया में मुनाफा कम है, पर इस प्रक्रिया से पंजाब की हवा और वातावरण को बचाने का जो प्रयास किया जा रहा है वह बड़ा अनमोल है। उन्होंने कहा कि इसमें कुछ खास खर्च नहीं होता, बस थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है और अंत में मेहनत का मूल्य जरूर मिलता है। इसीलिए उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे भी इस प्रक्रिया का इस्तेमाल कर वातावरण को बचाने में अपना अहम योगदान दें। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। वातावरण बचता ही जिम्मे अपना प्रदूषण नहीं होंगे, अभी बीजन जी कणके दूबा का खर्चा तो आई भी जिम्मे अपना लाली हिसाब पहले तो तूड़ी करनी पैंती, हाफ खर्चे लाने पैंते नहीं बढ़ के, तो उस बाद फिर तूड़ी करने भी आई खर्चा तो दो तीन बारी खर्चे बढ़ने पैदे नहीं। तू पहला मुनाफे की गल की मुनाफा है 1000 रुपया ट्राली मगर, बाकी डंगर पै जाती है माड़ी मोटी। गरीब बंदे करते खेती चो कोई करावे तो अभी कर देने। हाँ मैं इतकी 2 गिल करचे वढ के भी लोगों के भी करी आई, फ्रीज भी करी लोगों की उही रेट से ही जेडे आपके पान चो करके लगता। अग लगा फायदा फायदा तो है ही आई, बच्चे मचते नहीं है ही, बच्चे है भी जो कणक में वधिया रहिंदे ने। पंजाब में सफाई को लेकर शहरों का बुरा हाल ही है, पर लोगों को आप सरकार से काफी उम्मीदें हैं। स्वच्छ अभियान को लेकर नाभा के विधायक गुरदेव सिंह देवमान ने खुद झाड़ू उठाकर सफाई की जिम्मा उठाया और नाभा के गौशाला रोड पर सफाई सेवकों के साथ झाड़ू लगाकर सफाई की। इस दौरान वहां पर लगे पेड़ खंभों तथा फुटपाथ पर लाल और हरे रंग के साथ पेंट भी किया। इस मौके पर देवमान ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा स्वच्छ अभियान की ग्रांटें जो भेजी जाती थी पर उसको इस्तेमाल सरकारों द्वारा नहीं किया जाता था और वह उसी तरह वापस चली जाती थी, लेकिन वह अब नाभा की नुहार बदलने जा रहे हैं और नाभा को सफाई के तहत पंजाब में पहले स्थान पर लेकर आएंगे। इस दौरान सफाई सेवक महिलाएं भी बड़ी हैरान थी कि पहली बार विधायक उनके साथ झाड़ू पकड़कर सफाई कर रहे थे। नाभा से हलचल के लिए राहुल खुराना की रिपोर्ट। असी नाभा साफ करने की मुहिम शुरू की है और जिदे तहत अज दुलद्दी गेट पहला दिवाली तो पहला असी इतिहासक जिहड़ा गेट है इक्को एक गेट बचा नाभे दे विच दुलद्दी गेट उन्हों पेंट किया, लाइटां लाइया सीगियां और 24 घंटे उत्थे महाराज का शब्द कीर्तन चलता भजन चलते हैं। तो हुण असी इहदे नाल ही जिहड़ी रोड है जिहड़ी अगे जाके मलेरकोटला रोड नाल मर्ज हो जाती है, तो उस रोड के दोनों पासे असी हरा ते लाल पेंट करके जिहड़े जिहड़े खंभे सीगे बिजली दे टैलीफोन दे जां दरख्तां दे आले दुआले जिहड़ी जिहड़े जाल लगे सीगे सीमेंट दे उन्हां नूं पेंट करके असी ये जिहड़ी रोड है इहदी दिख जिहड़ी है चेंज करन दी कोशिश कीती है। बड़ा खूबसूरत लग रहा जी, सारे तारीफ कर रहे कि बहुत अच्छा तुसीं कीता इह, ते बस एक निमाणी जी कोशिश है जी पूरे नाभे नूं असी साफ सुथरा पूरे नाभे की दिख चेंज करनी चाहुंदे आ और बहुत ही अच्छे तरीके नाल नाभे की जिहड़ी डस्ट है जिहड़ी मिट्टी है उहनूं साफ यही काम कर रहे जी, झाड़ू साढ़े नाल ला रहे ने ओ, असी असी पहला नहीं कदे देखा है। तुहानू भी मतलब काम करन च खुशी हुंदी आ भी वधाइक भी साढ़े नाल काम कर रहे ने, की कहना चाहुंदे हो? हां जी खुशी हुंदी आ सानू साढ़े नाल साढ़े साढ़े एमएलए खड़े ने जी, साढ़े बराबर खड़े ने, बराबर खड़े ने, अज तक कोई खड़ा नहीं है, साढ़े अज तक कोई भी नहीं खड़ा, जिन्ने भी बने ने ये पहली बार खड़े ने। झाड़ू भी पहली बार मारे। श्री राधा कृष्ण चैतन्य महाप्रभु मंदिर कैनाल इंडस्ट्रियल
कॉम्पलैक्स बाबा बालकनाथ नगर मकसूदा बाईपास में 60वें श्री हरिनाम संकीर्तन के अंतर्गत तुलसी विवाह के उपलक्ष्य में भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मेहंदी रसम, शगुन और भगवान शालिग्राम जी की सेहराबंदी के पश्चात भगवान शालिग्राम जी की बारात एवं विवाह उत्सव संपन्न करवाया गया, जिसके बाद भंडारे का आयोजन भी किया गया। इस मौके पर श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी महाराज सेवा समिति ट्रस्ट के प्रधान महेश गुप्ता, बॉबी खन्ना, सुधीर गुप्ता, रेणुका महेंद्रू, किरण अग्रवाल, हरीश महेंद्रू, दिनेशपुरी, स्मृति शर्मा, जुगल मल्होत्रा, अशोक खांडा, राजेशपुरी, पुनीत अग्रवाल, हरित गुप्ता, अंकुश अग्रवाल, हर्ष गुप्ता, कविता महेंद्रू, किरण हांडा, सविता वधवा, ममता गुप्ता, ऋतु, तमन्ना, ज्योति, शुभम सहित अन्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए जतिन राजपूत की रिपोर्ट। उसके उपलक्ष्य में आज जो तुलसी शालिग्राम जी का विवाह किया गया, जो कि हमारे सभी मंदिर के गुरु भाइयों के द्वारा और मंदिर कमेटी की ओर से यह आयोजन किया गया, उसमें इलाका निवासियों ने और हमारे गुरु परिवार ने हमने बहुत आनंद माना और काफ़ी बढ़िया आयोजन जो आज हुआ। पहले रीति रिवाज के अनुसार सारा प्रोग्राम किया गया, मेहंदी की रस्म, हल्दी की रस्म, बैंगल सेरामनी, सेहराबंदी, फिर मैडम पर करना, उसके बाद लावा वगैरह करके और मंदिर प्रांगण में अभी भव्य भंडारा चल रहा है। सभी मंदिर कमेटी के सदस्यों की ओर से सभी आए हुए इलाका निवासियों का, गुरु भाइयों का और जो बाहर से संगत आई है, मैं तय दिन से अपनी ओर से अपनी मंदिर कमेटी की ओर से उनको हार्दिक बधाई देता हूँ। के सभी पदाधिकारी, सभी ट्रस्टी मेंबर और सभी भक्तजन की तरफ से मैं आप सबको इस मंगलमय आज जो शादी विवाह हुआ है तुलसी शालिग्राम जी का, इसकी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। परमात्मा परमात्मा गोड़ेश्वर वैष्णव की रिद्ध स्वामी महाराज जी का आशीर्वाद हम सब पर यही बना रहे और हम यही सब लोग मिलजुल कर धार्मिक उत्सव करते रहे और लोगों को प्रेरित करते रहे, धर्म के साथ जोड़ते रहे। ऐतिहासिक हो नहीं सकता, ऐतिहासिक ही है। पूरे चाव के साथ सबने भाग लिया, सम्मिलित हुए और सबको अपनी परंपरा का पता चला। इतने इतने छोटे बच्चे हैं, उनको ये पता है कि शादी में जाना है, डीजे में डांस करना है, पर यहाँ पर आकर उन्होंने राधे 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 हरी बोल ये नृत्य किया। ये इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। हमारे बच्चे डीजे में जाते हैं, हमें जाना बहुत उत्साह के साथ, पर यहाँ इस बार आए हैं, अगली बार उनको निमंत्रण नहीं देना पड़ेगा। श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा जलंधर छावनी की ओर से श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र छत्र छाया व पांच प्यारों की अगुवाई में नगर कीर्तन निकाला गया, जिसमें हर वर्ग के लोग शामिल हुए और आपसी एकता व प्रेम प्यार का संदेश दिया। इस अवसर पर गुरुद्वारा सभा द्वारा आए संत महापुरुषों को सम्मानित किया गया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया गया। इस दौरान गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा के प्रधान जोगिंदर सिंह टीटू द्वारा विभिन्न जथेबंदियों के प्रतिनिधियों के साथ साथ नगर कीर्तन में सहयोग देने वाले सहयोगियों को सिरोपा साहिब देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान राजनीतिक दलों के नेता आत्म प्रकाश सिंह बबलू, सोनू ढेसी, परमजीत सिंह रायपुर सहित कई नेताओं ने पहुंचकर गुरु पर्व की बधाई दी। नगर कीर्तन में ढोल की थाप पर नाचने वाली घोड़ी आकर्षण का केंद्र रही। नगर कीर्तन के मार्ग में विभिन्न संस्थाओं द्वारा विभिन्न व्यंजनों के लंगर भी लगाए गए। इस अवसर पर संत बाबा जीत सिंह जी, निर्मल कुटिया, जोहलाम वाले सहित हरिंदर सिंह पप्पू, महेंद्र सिंह बाबा, विनाश शर्मा, सविंदर सिंह वीरू, हरप्रीत सिंह बसीन, अनिल चौहान, गुरशरण सिंह टक्कर सहित असंख्य भक्त जन मौजूद थे। जलंधर कैंट से हलचल के लिए जतिन राजपूत की रिपोर्ट। पहले पातशाही गुरु नानक देव महाराज के गुरपुरब के उपलक्ष्य के जिथे कि पूरे विश्व के जो दिन है गुरपुरब का बहुत धूमधाम मनाया जाना, वो उपलक्ष्य के जलंधर छावनी अज नगर कीर्तन कढ़िया जा रहा हर साल की तरह बहुत धूमधाम के नाल। मैं सच्चे पिता परमेश्वर तो ही अरदास करदा कि सारिया संगतां ते मेहर भरे हाथ रखन और जिहड़ा उन्हां दा सब तो वड्डा उपदेश आ किरत करन दा ते वंड के छकन दा, उह सानू सब नू एक सादा और वधिया जीवन बतीत करन दा एक उपदेश मिलदा। पहले पातशाह श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव जिहड़ा 8 तरीक नू मनाया जा रहा सारी दुनिया च,
वो संबंध च अज जलंधर कैंट तो हरेक साल की तरह नी नगर कीर्तन चलिया सत गुरु नानक प्रगटिया मिट्टी झुंड जग चान हुआ मैं गुरु नानक देव जी के जन्मदिन दिया प्रगट उत्सव दिया समूह साध संगत को लख लख बधाई दिनी हाँ अज जो नगर कीर्तन छोड़ी सिख सभा गुरद्वारा उन्होंने कढ़िया जा रहा पूरे प्रधान साहब से पूरी प्रबंधक कमेटी को मैं बहुत बहुत बधाई दिनी हाँ तो छोड़ी के इलाका निवासियों को बहुत बहुत बधाई जो ये अज उपराला करके गुरु नानक देव जी का जो नगर कीर्तन अज कढ़िया जा रहा है गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जिन्होंने चार उदासियां करके जरा दुनिया से दुनिया में सीधे राह पाया कि उपदेश नाम जपन का जरा उपदेश दिता कि नाम जपो बन छको असी अरदास करते हैं कि महाराज अगे कि जी उन्होंने ये सानू दात दी असी उस दात में जोड़े आ वधिया तरह निभा सकिए कि अज गुरुद्वारा सिंह सभा जो कि बाबा जी का जो कि शोभा यात्रा निकल रही है वो साढ़े व्डे भैन जी राजेंद्र कौर खान ने आके बाबा जी का आशीर्वाद लिया असी इन्हों वालों अपने परिवार वालों सारे देशों से रहने वाले लख लख बधाई देने और खास तौर पर जलंधर कैंट के लोगों को भी भैन जी वालों लख लख बधाई देने और इन्हों का इतने आने के मैं कैंट वालों धन्यवाद करता हाँ। धन गुरु नानक प्रगटिया मिट धुंड जग चानण हुआ धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश के संबंध में जो अज विशाल नगर कीर्तन जलंधर छावनी वालों कढ़िया गया है उस नागले पिंडा दिया संतां ने जलंधर कैंट दिया संतां ने नगर कीर्तन शुभ यात्रा निकाली जा रही है जिस दे विच दीपनगर तो सुरेंद्र सिंह मनिहास होर पूरा जथा साडा इत्थे हाजिर होण आया और गुरु घर दियां खुशियां प्राप्त करन आया साडे पूरे जथे वलों श्री गुरु नानक देव जी दे प्रकाश पुरब दियां खुशियां विच जो नगर कीर्तन कढ़िया जा रहा है उस दे विच साहब संगतां नू लख लख बधाइयां पहली पातशाह जी साहिब श्री गुरु नानक देव जी दे शुभ प्रकाश पुरब दे संबंध विच अज गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा वल्लों इक महानगर कीर्तन जलंधर छावनी विच कढ़िया जा रहा है जिस विच इलाके दे आले दुआले दे पिंडां दी संगतां अते जलंधर शहर दी संगतां हुण आ के पहुंचियां मैं अपने वल्लों अते अपने परिवार वल्लों सेंट मेरी कैथेड्रल चर्च जलंधर छावनी में मां मरियम के वार्षिक समारोह के अवसर पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हुए। इस अवसर पर जलंधर के बिशप एग्नेलो ग्रेशियस मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए जबकि दिल्ली के बिशप दीपक विशेष अतिथि के तौर पर पहुंचे। इसके साथ ही फादर थॉमस कीप्रथ ने विशेष तौर पर शिरकत कर सभी गणमान्यों के साथ साथ पंजाब हिमाचल से आए हुए श्रद्धालुओं का धन्यवाद किया। इस अवसर पर फादर मैथ्यू फादर पीटर फादर एंथनी फादर सुरेश मसीही नेता सूरज मसीह फोलड़ीवाल फादर जेम्स सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। जलंधर कैंट से हलचल के लिए जतिन राजपूत की रिपोर्ट। मेरे प्यारे जीजो आज जलंधर छावनी के व्डे गिरिजे मां मरियम शांति की राणी की ईद धूमधाम मनाया गया। बहुत दूरों नेड़ियों बहुत सारे लोग घूम घुमा के इत आए मां मरियम के चरणों में इतों मरियम के फूलों खुदा की बरकत हासिल करके अपने चरण चले गए हैं। मेरी दुआ है शांति की राणी मां मरियम की बरकत नाल पंजाब शांति अमन चैन अदे खुशहाली फिर वापस आ जाए अदे हर लोग अपने खुदा दे उत्ते आश्रित के। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नज़र फिर से। नाभा के रिपु दमन कॉलेज के स्टेडियम में चल रहे कबड्डी कप का हुआ समापन स्वास्थ्य मंत्री पंजाब ने बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत। जंडियाला गुरु में हिंदू सिख एकता को ध्यान में रखते हुए निकाला गया मार्च हाथों में आपकी भाईचारे के बैनर पकड़कर लोगों को किया जागरूक। भवानीगढ़ के बादल खुर्द गांव के दो किसानों ने पिछले 8 सालों से पराली ना जलाकर पैदा की मिसाल लोगों और किसानों को स्वच्छ वातावरण के प्रति कर रहे जागरूक। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।